डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक चल रहा था असप्रस्य लोगों से संबंधित, या आपने कहें चांडालों से संबंधित। उसी का उदाहरण देते हुए अपने इसके अंतर्गत एक कहानी दी गई है, अपनी पुस्तक में एक कहानी दी गई है, जो चांडालों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार है या जैसी समाज में चांडालों की स्थिति है, उस स्थिति को इस कहानी के माध्यम से अपने समझ सकते हैं। देखो क्या कहा गया है इसके अंतर्गत, बौद्धिस्त एक चांडाल के रूप में, क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया। यह कहानी पढ़ने हैं जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। किससे ली गई है? मातंग जातक से ये कहानी ली गई है और मातंग से संबंधित ही है ये कहानी। इस कथा में बुद्धिस्त पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित है। अपने जातक कथाएं पढ़ते हैं, जातक कथाएं बौद्ध धर्म के अंतर्गत आती है और लगभग इनकी संख्या 550 के लगभग है। जो जातक कथाएं हैं ये कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं और उनमें से ही एक कथा है मातंग से संबंधित, यानी कि मातंग जो नाम है, ठीक है, वह बुद्धिस्त यानी कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, या भगवान बुद्ध का जो पूर्व जन्म था उन जन्मों में से एक में भगवान बुद्ध का नाम क्या था? मातंग था। देखो इस कहानी में क्या कहा जा रहा है, एक बार बुद्धिस्त ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया, यानी कि भगवान बुद्ध ने क्या किया, एक चांडाल के यहाँ जन्म लिया। और कहाँ की बात है? बनारस नगर के निकट की बात है। उनका नाम मातंग था। क्या था? मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहाँ उनकी मुलाकात दित्त मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मातंग किसी कार्य को लेकर नगर में गए, शहर में गए, तो वहाँ उनकी मुलाकात दित्त मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया, यानी कि किसको देखकर? मातंग को देखकर। मातंग को देखकर वह चिल्लाई और उसने कहा मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई भी, अब आंखें दोषयुक्त हो गई थी क्योंकि उसने मातंग को देख लिया, एक चंडाल को देख लिया, इसीलिए उसने अपनी आंखों को धोया। उससे उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। अब जो उस लड़की के सेवक थे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मातंग को पीट दिया। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। अब जिस व्यापारी की वह लड़की थी उस व्यापारी के मुख्य गेट के पास जाकर मातंग थी वह वहाँ पर लेट गई। सातवें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्त को उन्हें सौंप दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सात दिन बाद जब घर के लोग बाहर आए तो उन्होंने क्या किया, दित्त जो थी उसे किसको सौंप दिया? मातंग को सौंप दिया। दित्त उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। अब अपने बात करें, जो दित्त थी वह उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर, यानी कि सात दिन से लगातार उपवास में बैठे हुए थे मातंग वहाँ पर सात दिन से, और उन्हें लेकर वह कहाँ चली गई, चांडालों की बस्ती में चली गई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। जब मातंग घर पे गए तो मातंग ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? भी अब वह संसार को त्याग देंगे। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्त से विवाह कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े समय उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके उन्होंने अलौकिक शक्ति को हासिल किया।
और उन्होंने अलौकिक शक्ति को हासिल करके दित्तथ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। दित्तथ और मातंग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र का क्या नाम रखा गया? मांडव्य कुमार। बड़े होने पर उसने तीन वेदों का अध्ययन किया। जब मांडव्य कुमार बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद उसने तीन वेदों का अध्ययन किया था तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। देखो इसके बाद क्या कह रहा है भी, जब मांडव्य कुमार बड़ा हुआ उसने बड़े होकर जो तीन वेद थे, तीन वेदों का अध्ययन किया था। मुख्य रूप से चार वेद है लेकिन उन्होंने अध्ययन कितने वेदों का किया? तीन वेदों का किया। और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कौन कराता था? मांडव्य कुमार। देखो यहाँ पर एक दित्तथ जो शब्द आया है, इससे पूर्व देखो इसमें क्या बताया गया है। मुलाकात दित्तथ मांगलिक नामक एक व्यापारी के पुत्री से हुई। ये दित्तथ क्या है? ये लड़की का नाम है। आप यहाँ पर ये व्यापारी मत समझ लेना, यहाँ पर ये दित्तथ क्या है? उस लड़की का नाम दिया गया है। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पत्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आई। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्वयं मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर जाते हैं और हाथ में एक भिक्षा पत्र उन्होंने ले रखा था और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, यानी कि जानकार से लगे उन्हें। ठीक है, तो मांडव्य कुमार ने मातंग से कहा भी आप मुझे एक पतित आदमी प्रतीत हो रहे हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा, यानी कि मांडव्य कुमार ने अपने पिता मातंग को घर से बाहर निकाल दिया जब मातंग उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। जब दित्तथ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य कुमार तथा ब्राह्मणों को दे दे। तो यहाँ पर हमें देखो किस बारे में बताया गया, जो स्थिति चांडालों की है उस स्थिति से अवगत करवाया गया है। और जो मातंग नाम का इसमें व्यक्तित्व लिया गया है, वह मातंग कौन है? वह बोधिसत्व है, यानी कि भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म है और उसी से संबंधित हमें इसमें बताया गया है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा जन्म के परे, संसाधन और प्रतिष्ठा। संसाधन क्या है? संसाधन किसे कहेंगे? संसाधन का अर्थ होता है जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वे सभी वस्तुएं चीज़ें हमारे लिए क्या है? संसाधन है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि आप अध्याय दो में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतिहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ है। ये जो टॉपिक है ये हमें अध्याय दो के अंतर्गत बताया गया था। और इसमें क्या कहा जा रहा है भी, दास, भूमिहीन खेतिहर, मजदूर हैं, शिकारी हैं, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक, वणिक यानी कि व्यापारी और राजा,
सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ है, यानी कि वे अलग अलग हिस्सों में उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में उत्पन्न हुए हैं, उनका उद्भव हुआ है। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि ऊपर जितने भी नाम हैं, जिसमें से मजदूर है, शिकारी है, मछुआरे हैं, पशुपालक है, किसान है, ग्राम मुखिया है, शिल्पकार है, वणिक है, राजा है, जो भी है, इन सभी का समाज में स्थान, उनके पास जितनी संपत्ति है यानी कि आर्थिक संसाधन जितने हैं उनके पास, उसी आधार पर उनका समाज में स्थान भी रखा गया था या स्थान भी माना जाता था। अब इसी से संबंधित हमें आगे इसमें बताया जाएगा। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रुतक्रीड़ा में आमंत्रित किया, यानी कि एक खेल में, द्रुतक्रीड़ा में आमंत्रित किया, एक खेल में आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्रुतक्रीड़ा में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपने प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर सब कुछ गवा बैठा था। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए थे। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें महाभारत का एक प्रकरण बताया गया है। इस प्रकरण में क्या है, जो कौरव दुर्योधन था, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक क्रीड़ा यानी कि खेल के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर उस खेल को खेलने के लिए उपस्थित हुआ और वह इस खेल में अपना सब कुछ हार चुका था। सब कुछ, जिसमें सब कुछ यानी कि स्वर्ण, सोना, हस्ती, हाथी, रथ, दास जो थे उसके पास, सेना उसकी, कोष, जितनी भी संपत्ति थी, राज्य, प्रजा, अपने भाइयों को और यहाँ तक कि द्रौपदी को, यानी कि जो 500 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उन सभी को वह हार चुका था। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति के अनुसार जो पैतृक संपत्ति होती है यानी कि पिता की जो संपत्ति होती है, वह संपत्ति माता और पिता की मृत्यु के बाद उसके जितने भी पुत्र हैं उन सभी में समान रूप से बांट दी जाए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा जो पुत्र था उसे विशेष भाग दिया जाता था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। जो पिता की संपत्ति होती थी उस संपत्ति पर स्त्रियों का, पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था और वह ना ही इसकी मांग की, जो हिस्सेदारी है अपनी, उसकी मांग कर सकती थी। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। जब लड़की का विवाह होता था और विवाह के समय पिता द्वारा या वर पक्ष के द्वारा जो भी उसे उपहार दिए जाते थे, उन उपहारों पर किसका स्वामित्व होता था, उन उपहारों पर स्त्री का स्वामित्व होता था और उसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। जो उसे उपहार स्वरूप वस्तुएं प्राप्त होती थी उसे स्त्री धन कहा जाता था, यानी कि स्त्री का धन।
इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। जो संपत्ति स्त्री के पास है वह संपत्ति उसकी संतान है, वह विरासत के रूप में ले सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। यानी कि संतान का अधिकार तो बताया गया है लेकिन स्त्री धन पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है। प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था और जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तो प्रभावती ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया और राज्य संचालन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, ये अपने अध्याय दो में देखने को मिले। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पेट रखती थी, यानी कि संपत्ति पर अपनी पेट रखती थी, कौन सी महिलाएं? जो उच्च वर्ग की होती थी। सामान्यतः उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। देखो इसमें क्या कहा गया है, जो भूमि है, पशु है और जो संपत्ति यानी कि धन है उनके पास, उन पर तो किसका नियंत्रण होता था? पुरुष का ही नियंत्रण होता था और अन्य जो चीज़ें होती थी उनमें मुख्य रूप से जो बड़े वर्ग की स्त्रियाँ होती थी वे अधिकार रख सकती थी। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता, संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से ही प्रखर हुई है। देखो आगे क्या कह रहा है, ये भी दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत यानी छोटे बड़ा होना संपत्ति के आधार पर की भिन्नता, विभिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई थी, यानी कि अधिक सामने आई थी। तो बच्चों इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।